जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आज मैं गई थी शीतला देवी मंदिर गुरुग्राम का। यह बहुत ही फेमस मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर सभी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आते हैं। आजकल गुप्त नवरात्रे भी चले हैं, तो मैंने सोचा चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं। माता रानी के अगर सुबह सुबह दर्शन हो जाते तो मन बहुत खुश हो जाता है और मंदिर में जाकर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें सजी थी, स्टॉल लगे थे और बहुत सी सुंदर सुंदर टॉयज़, बच्चों की खिलौने बहुत अच्छे अच्छे लगे थे। तो हमने कहा चलो हम दर्शन करके आते हैं। मेरे बच्चे भी जा रहे हैं, ये मेरे दोनों बच्चे। हम अभी मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए माता रानी की। और गुरुग्राम को शीतला माता की ही भूमि कहा जाता है। यहाँ की इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, जगह नहीं होती बिल्कुल भी दर्शन करने की। चलो अब आपको शीतला माता रानी के दर्शन कराते हैं। सुबह सुबह अगर माता रानी के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, मन को एक बहुत अच्छा शांति सुकून मिलता है। और मंदिर में जाकर तो मन करता है कि बस यहीं पर बैठे रहें। और सुबह सुबह हमने माता रानी के दर्शन कर लिए थे तो, और उस समय ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और हमारे अच्छे से माता रानी के दर्शन हो गए थे। ये शीतला माता मंदिर एक गुरुग्राम का बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर आप कभी आओ तो यहाँ ज़रूर आना। कहा जाता है कि यहाँ पर सभी मन्नतें पूरी होती हैं। और ये देखो ये पूरा अब मंदिर जो बनेगा ऐसा बनने वाला है। अभी इस मंदिर में काम चल ही रहा है और अभी अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत बन रखा है। बाहर से अभी बहुत सुंदर बनेगा, जैसा आपने ये सेक्टर देखा वैसे ही बनने वाला है। आप कभी भी गुरुग्राम आओ तो शीतला माता मंदिर ज़रूर जाना, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर सभी मन्नतें पूरी होती हैं। और तब हम भी यहाँ पर गए थे, बहुत अच्छा मंदिर है। और हम अभी बाहर निकल गए हैं, घर जाने वाले थे तो बाहर से चलो मैंने कहा यहाँ पर एक मन्नत का धागा बांधा जाता है, तो मैंने भी यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा। माता रानी के नाम लेके मन्नत का धागा बांधने से कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है माता रानी के नाम लेने से। तो मैंने भी यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा। और मन्नत का धागा बांधते हुए अपने दिल की अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए माता रानी को, और माता रानी को प्रणाम करना चाहिए कि हे माता रानी हमारी मनोकामना पूर्ण करना, ताकि हम तुम्हारे दर्शन करने दोबारा आपके मंदिर में आए। इसके बाद हम घर को आ गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।